Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. हल्का असम्बली महेश्वरम के कोतापेट इलाके में मस्जिद अल जाबरी व मदरसे की अराजी पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतालिका जिम्मेदारान ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, रुकने असम्बली सबीता इंदर रेड्डी और पुलिस के आला अधिकारियों से मस्जिद अल जाबरी व मदरसे के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक कोतापेट में मस्जिद अल जाबरी जमीयत अल जाबिर अल ताउनिया के तहत चलती है। जाबरी कबीले के ताउन से कई साल से मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा की जा रही है और शाम के औकात में एक मदरसा भी चलाया जा रहा है, जहां तकरीबन 60 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। महमूद रुबैया ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मस्जिद की अराजी का मुकदमा अदालत में जेर समात है, इसके बावजूद भी कुछ शरपसंद अनासिर अराजी पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शरपसंदों की जानिब से अराजी पर कब्जा करने का अंदेशा जताया और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, महेश्वरम MLA सबीता इंदर रेड्डी और पुलिस के आला अहदेदारों से उनके साथ ताउन करने और अराजी के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं महमूद बिन मोहम्मद बिन अतीफ अल जाबरी उर्फ महमूद रुबैया यहाँ पर मस्जिद अल जाबरी जो जमीयतुल अल जाबिर अल ताउनिया के तहत चलती है कुत्तापेट बड़का झाड़ के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम कबीले अल जाबरी की ताउन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से चल रही है। यहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है और मगरिब ता इशा मदरसा भी चलाया जाता है, जिसमें 60-65 बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। ये प्रेस मीटिंग करने की वजह यह है मेरी, ये हमारे कबीले के पूरे लोग यहाँ जमा है और यहाँ बस्ती के लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग भी यहाँ पर जमा है। हमारा प्रेस मीटिंग इतनी रात को करने की वजह यह है कि यहाँ पर कुछ शर पसंद आकर हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये मस्जिद पे ये जमीन पे केस चल रहा है। हम भी कोर्ट के थ्रू चल रहे हैं, आगे वाले भी कोर्ट के थ्रू चल रहे तो अच्छा है, लेकिन कुछ शर पसंद यहाँ पर जबरदस्ती 15 दिन पहले भी आए थे, आज भी आए, आके 3 लेबरों को साथ में ला के अंदर घुस के हम साफ करना चाह रहे हैं, हमको फला फला भेजे, कुछ शरपतन भेजे यहाँ पर साफ करने के लिए बोल रहे हैं। भाई हमारी सोसाइटी है, हम उनको बोले भाई हमारी सोसाइटी है, साफ सफाई हम सब करा लेते, आप क्यों आके कर रहे हैं, वो दूसरे जगह से आके यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। हम उनसे बात करके उनको समझा के भिजा दिए। अब हमारे को ये डर है कि ये पोजिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज शर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले इसलिए आप मीडिया में डाल दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई शर होगा या कुछ वो होगा तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ खैर का काम है, हम चाह रहे हैं कि बच्चे तालिबात पढ़े और अच्छे अच्छे अखलाक सीखे, हमारा यही काम है, हम खैर का काम, हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से हमारे पूरे कबीले के लोग ताउन कर रहे हैं, किसी सिर्फ कबीले के लोग के ताउन की वजह से ये हमारा मदरसा चल रहा है और हमारा सिर्फ एक मकसद है कि भाई हमारे बस्ती के तमाम बच्चे छोटे बच्चे इल्म हासिल करें, उसके अलावा दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन कुछ शर पसंद यहाँ पर आके ये बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे MP साहब असदुद्दीन अवेसी साहब और अपने अकबरुद्दीन अवेसी साहब सबीता रेड्डी MLA उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस एरिए के काउंसलर अहमद कसादी साहब और जो भी DCP साहब ACP साहब यहाँ पर ये इस सोसाइटी पर इस जमीन पर आप लोग खास करके आपकी नजर रखें, यहाँ पर ये लोग हमको नाजायज आके तकलीफ दे रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो, तो ये लोग हमेशा आके हमको सता रहे हैं। ये प्रेस मीटिंग करने की वजह ये है कि आप लोगों जरा इस पर नजर रखें, इनके ऊपर सख्त एक्शन लें। आज जो हजरात आए थे हमारे पास उनके फोटोज वगैरह भी है, वीडियोस भी है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुआ है, अगर कोई आके यहाँ पर अगर लॉयल अंडर करता है तो हमारे पास पूरा उसका सबूत रहेगा। तो
तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे अच्छा जो काम हो रहा है उसको होने दें, नाजायज हमको तकलीफ ना दें, हमारे कबीले को ना सताए, सबसे गुजारिश है। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम उमर बिन अबू जाबरी है। इस प्रेस ये प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि अल जाबरी मस्जिद जो कुत्तापेट बड़ के झाड़ के बाजू में है, वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर आके सता रहे हैं, पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद की जो ज़मीन है हमारी 1982 से है और हमारी कमेटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आज से 4 साल पहले भी यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से पोजीशन लेने की कोशिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही हमारे पास मस्जिद और मदरसा चल रहा है तो इस मदरसे के काम में सता रहे हैं हमारे को, तो हमारी बालापुर ये पुलिस स्टेशन से गुजारिश है और एसीपी सर डीसीपी सर से भी गुजारिश है इस काम में हमारा साथ दे। और हमारे एरिया के एमएलए सविता अंदारा रेड्डी मैडम और हमारे एमपी सर असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश यही है कि रेवंत रेड्डी सर से भी गुजारिश यही है कि इस काम में हमारा साथ दे। और हम अभी ऑलरेडी बालापुर पुलिस स्टेशन को गए थे, वहाँ पे एसएचओ सर नहीं मिले, कल सुबह में आने के लिए बोले, इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि हमारे को एक पिकेट रखे यहाँ पे। और जो यहाँ पर आए थे उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मौजूद है, हम वो भी देंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।